नमस्कार, मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या है। अध्यक्ष जी, संघर्ष समिति के द्वारा पटना में बड़ा कार्यक्रम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आपने करने की घोषणा गांधी मैदान में की थी। गांधी मैदान का जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया गया, स्थान परिवर्तित कर दिया। वो संगठन के बैठक में आपने निर्णय लिया, वीडियो वायरल किया जा रहा है, वॉयस रिकॉर्डिंग। आप मंत्री के यहाँ भी मिलने गए थे, यह सच है क्या? हम इस बिंदु पर हम मंत्री के क्यों मिलेंगे? हाँ, बात हुई थी, हमने कहा कि मीटिंग होगी, हमारा लोग है, लोग बात होगी, कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, हमारा लोग आ रहे हैं, उसमें भी हम देंगे सारी बात को। हम वो छिपा करके कोई बात करने नहीं है। मतलब मंत्री जी के यहाँ आप जब गए तो आपने स्पष्ट कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन में हैं। एकदम साफ साफ है, लड़ाई चलेगी, लड़ाई बंद नहीं होगी। दो चार ऐसे करने वाले लोग करते रहे, हम इसलिए कि हम ये चलने अब नहीं देंगे कि व्यापार व्यापार होता रहे। मतलब कुछ लोग जो जानबूझ के अड़ंगा डालना चाहते हैं आपके आंदोलन में, उनका जो मन मानसिकता है उसके विरुद्ध कार्यक्रम अपने तरीके से चलता रहेगा और हम लोग आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जो है हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिल जाए। निश्चित रूप से जब हम अपने हाथ में लिया है आंदोलन को तो कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ले करके ही हटेंगे। निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई जो संयोजित के नाम पर है उसकी समस्या का समाधान करके ही हम हटेंगे, पीछे हटने वाले हम कभी नहीं हैं। माननीय मंत्री जी को आपने दो टूक जवाब दे दिया कि हम आंदोलन करेंगे। हाँ? अगर आपको वार्ता के लिए बुलाना है तो चिट्ठी भेजिए। हाँ, यही बात है, चिट्ठी भेजिए तब ना भाई, कुछ लोग जाएंगे साथ, संघर्ष समिति के लोग साथ में जाएंगे, जाएंगे। चलिए अध्यक्ष जी, दूसरी बात ये सामने आ रहा है कि आप जो है स्थान परिवर्तित कर दिए, ये आप उनके दबाव में किए हैं, यह तो इसमें तो कोई सच्चाई नहीं झलक रहा, लेकिन आपके मुंह से भी लोग सुनना चाहते हैं। आश्चर्य है, जब हमने वो गांधी मैदान की मांग की थी तो सरकार ने अनडेमोक्रेटिक ढंग से इसको हमारा कैंसिल किया, जो आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और ये सब प्रचार करने वाले लोग का दुकानदारी बंद हो रही है, यह भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं। लेकिन अब हमको लोगों ने क्यों, आप जब आपको दुकानदारी चलाना था तो हमको, हमारे जैसे लोग को कम से कम आपको नहीं बनाना चाहिए था। अभी नियोजित में से हैं इसलिए हम कह रहे हैं, आप क्यों, आपने हमको बनाया। लेकिन जब आपने हमको बना दिया है, अंतिम लड़ाई है तो हमारी होती रहेगी, चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांग नहीं।